कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो है उसको क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है उसको रिलेट कर करके पढ़ाते रहे। सही है, मैं कोशिश करूंगा कि जो है उसको क्वेश्चन से डायरेक्ट जो है उसको रिलेट कर करके पढ़ाते रहे। सही है, तो पावर का सीन हमारे पास ये है कि अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वही बचपन वाली डेफिनेशन है। हम कहते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन कह दो, सही, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कह दो, सही हो गया। अच्छा, और इसी के हिसाब से अगर हमारे पास जो है पावर के दो फॉर्मूले बन जाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सही है, रेट का मतलब तुम्हें पता है टाइम होता है, सो डेल्टा ई अपॉन टी तुमने कर दिया, सही है। और तुम्हारे पास जो दूसरी वाली चीज है वो तुम्हारे पास है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम, सही। तो तुम्हें पता है कि चेंज इन एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती थी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर देखा था, सही, और ओवर टाइम, सही। चेंज इन एनर्जी की जगह काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो सकती हैं, सही है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो सकती है, सही, और वर्क डन की जगह जो है वो वर्क डन ही रहेगा, सही। वर्क डन को आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो, तुम्हें पता है कि वर्क डन तुम्हारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और डिवाइडेड बाय टाइम, सही। तो तुम जो है वो भी कर सकते हो, तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती, सो तुम्हारे पास ये एक रिलेशन बन गया कि पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, सही। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें तुम्हें वेलोसिटी से उसको रिलेट करना होता है तो तुम्हारे पास ये, तुम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, सही। तो ये हमारे पास पावर की कहानी, सही। अच्छा जनाब, पावर के अंदर इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, सही। तो अब इसकी जो है ना फिर हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ता है, तो उसके लिए जो है हम फिर क्वेश्चन पे चले जाएंगे, सही है। तो खैर, उसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज आती है, वो हमारे पास होती है एफिशिएंसी, सही। सही, अब एफिशिएंसी हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो हमें इस सिस्टम के बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस सिस्टम में हम जो इस जितना इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, सही है। सो क्योंकि हमारे पास हर सिस्टम की दुनिया में जितने भी सिस्टम है हम अगर वो एक अच्छा सिस्टम है तो जाहिर बात है जितना हम इनपुट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलता है तो वो अच्छा सिस्टम है, नहीं मिलता तो बुरा सिस्टम है, सही। तो सिमिलरली फिजिक्स के अंदर जो भी सिस्टम होता है अगर उसकी अच्छा उसका आउटपुट है तो उसको, या बुरा आउटपुट है तो उसको हम मेजर करते हैं एफिशिएंसी के अंदर उसकी, और उसकी हम परसेंटेज फ्रॉम 0 to 100 अगर परसेंटेज के अंदर काम करें, और अगर परसेंटेज नहीं है नॉर्मल वैल्यूज है तो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक हमारे पास उसकी वैल्यू होती है, सही। अगर 1 के करीब करीब कोई वैल्यू है उसका मतलब है हाईली एफिशिएंट है, अगर 0 के करीब करीब किसी कोई वैल्यू है तो उसके अंदर वो उसकी एफिशिएंसी बहुत लो है, सही। अब एफिशिएंसी जो है वो आपके पास जो है अच्छा, सो एफिशिएंसी जो है हम दो पैरामीटर को यूज करके निकाल सकते हैं, एनर्जी को भी यूज करके निकाल सकते हैं और पावर को भी यूज करके निकाल सकते हैं, सही। बचपन में आप लोगों ने सिर्फ एनर्जी को पढ़ा था, राइट, ऐसे ही है ना, या पावर दोनों पढ़ी थी, याद है कुछ, ये बात दोनों याद से है, दोनों पढ़ी थी, पैसे लीन हो गए, सही। सो हम कहते हैं कि भाई यूजफुल आउटपुट एनर्जी, सही है, और टोटल इनपुट, इनपुट एनर्जी, सही हो गया। और या फिर जो है हम इसी को जो है अगर पावर के टर्म में ले जाएं, सही। सो अच्छा, ये जो एन है ना जिसके नीचे थोड़ी सी धूम लगी हुई है, ये बेसिकली एफिशिएंसी का सिंबल होता है और ये ग्रीक लेटर है, पता नहीं कौन सा इसका नाम क्या था एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद नहीं, ईटा नहीं, पता नहीं क्या होता है, खैर। तो ये यूजफुल आउटपुट पावर हम भी कह सकते हैं, सही है, और इनपुट पावर हो जाएगी, सही है। अब देखो इसमें जो है ना बस एक मसला वो ये कर देगा कि तुम्हें जो है ना
इस फॉर्मूले के अंदर ये तो दोनों चीज़ें पावर की फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ एनर्जी के फॉर्म में, एक चीज़ पावर के फॉर्म में, सही है? तो ये इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा, सही है? तो और वो क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, वो अपनी आदत से मजबूर है बेचारा एग्जामिनर, तो वो जो है एक चीज़ एनर्जी की फॉर्म में देगा, एक चीज़ पावर की फॉर्म में देगा, ताकि बच्चे मैक्सिमम चांसेस वो बच्चों का गलती करें और फेल हो जाए पेपर में, सही है? तो ये चक्कर है, सही है? तो इसका प्लीज तुमने ध्यान रखना है, सही है? तो फिलहाल हमारे पास इसकी जो है ना एनर्जी और पावर की सिर्फ यही दो चीजें थी, सही है? अब जो है हम इसके जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से रिलेट करते हैं ये पूरे वर्क एनर्जी पावर को, सही? तो जरा क्वेश्चन साथ करते हैं, उसके बाद बताना कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है।